पिलानी में आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन का 57वां स्थापना दिवस केसी भवन में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीवाईओ के राज्याध्यक्ष विष्णु वर्मा व विशिष्ट अतिथि पिलानी यूनिट इंचार्ज संदीप शर्मा थे। कार्यक्रम का संचालन महावीर प्रसाद ने किया। विमल और भुवनेश ने क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत किए। मुख्य वक्ता विष्णु वर्मा ने कहा कि सरकारें युवाओं के खिलाफ एक के बाद एक ऐसी नीति लागू कर रही है जिससे उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। वर्मा ने सेना में ठेका प्रथा का विरोध भी किया और कहा यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष ओजस्वी ने भी बेरोजगारी व महंगाई पर अपनी बात रखी। उसके उपरांत झुंझुनू जिला कमेटी का गठन किया गया जिसमें जिला अध्यक्ष महावीर शर्मा, जिला उपाध्यक्ष विमल, सहायक सचिव संदीप शर्मा, ऑफिस सेक्रेटरी ओजस्वी व काउंसिल में संजीव, साजिद, अध्ययन, सोहिल व रवि को चुना गया। आज हम पिलानी के अंदर AIDYU स्थापना दिवस के अवसर पर 57वां वर्षगांठ मना रहे हैं। आज के दिन हमने पिलानी के अंदर नई झुंझुनू जिला कमेटी का भी निर्माण किया है और ये नई झुंझुनू जिला कमेटी पिलानी के अंदर जिस पूरे देश भर में छात्रों के ऊपर जिस प्रकार से काले कानून लाए जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, नशीले पदार्थों का जिस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है, उन तमाम अनैतिक चीज़ों के खिलाफ ये हमारी नई कमेटी लड़ेगी, यही मैं इस कमेटी से आशा करता हूँ। वहीं पंचायत समिति पिलानी परिसर के सामने विकास अधिकारी के खिलाफ धरना पांचवें दिन भी जारी रहा। प्रधान बिरमा संदीप रायला ने अपनी शादी की सालगिरह भी धरना स्थल पर ही मनाई। धरना दे रहे लोगों ने विधायक के खिलाफ भी रोष प्रकट करते हुए कहा कि धरने को पांचवा दिन होने को है लेकिन स्थानीय विधायक ने इसकी सूद तक नहीं ली और विधायक को सरपंचों ने खरी खोटी भी सुनाई। इसके साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रधान के साथ मिलकर बुधवार 29 जून को एक विशाल सभा का आयोजन करने का भी निर्णय लिया है जिसमें 8 से 10 हज़ार लोगों की एक सभा करने का लक्ष्य रखा गया है।